लोकसभा का अपना ये जो चुनाव है, इस चुनाव के प्रबंध समिति के प्रमुख और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, उपस्थित सभी मंच पर हमारे माननीय विधायकगण, जिसमें विशेष तौर पर श्री हरेंद्र कल्याण जी जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, श्री रामकुमार कश्यप जी, श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, श्री घनश्याम अरोड़ा जी, पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इतनी बड़ी संख्या में न केवल इस लोकसभा क्षेत्र से बल्कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए उनके साथ भी हजारों गाड़ियों के अंदर ऐसे हमारे चाहे अंबाला से, कुरुक्षेत्र से सब कार्यकर्ता आए हैं, ऐसे सभी मेरे बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मित्रों आज का ये प्रसंग एक बहुत ही विशेष प्रसंग आज मेरे लिए है। आज एक खुशी मन में इतनी हो रही है जैसे घर का कोई एक बुजुर्ग अपने सामने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ते हुए देखता है, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करता है, और जितनी खुशी उस संदर्भ में होती है आज उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, मनोहर लाल को हो रही है। भाइयों बहनों, परिवर्तन जीवन का दस्तूर है, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कैसा परिवर्तन है, किसका परिवर्तन है और कौन से संगठन का परिवर्तन है। हम राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तनों को देखते हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन उन परिवर्तनों के पीछे जिस प्रकार का घटनाक्रम घटता है, जैसी मारामारी होती है, जैसे एक दूसरे के नीचे नीचे से कुर्सी खींचने का काम करते हैं, और ऐसा लगता है किसी के घर खुशियां आई हैं तो किसी का घर मातम छा गया है। लेकिन ये परिवर्तन आपने ध्यान किया होगा, मेरी प्रसन्नता का कारण भी वही है कि इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को एक साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई और हरियाणा के पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये बात तय की कि हमारे वर्तमान कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय 12 मार्च को हमने किया। ये अलग बात है कि जनता में से तरह तरह के प्रतिक्रियाएं मिली, तरह तरह की टिप्पणियां मिली, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने कहा कि नहीं समय ठीक नहीं था, किसी ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा अचानक कैसे हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर कहीं और कोई पार्टी होती हो खिचम खाच में महीना दो महीने इसी बात में लड़ाई रहती कि इसको हटाओ, इसके खिलाफ कोई ना कोई कोई उसके खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी करो, उसके खिलाफ कोई भी उसको जिसको कहना चाहिए बदनाम करो और उसके बाद उसको वहां से धक्का मारो, फिर लड़ाई के लिए नए लोग, वो कहेगा मैं आता हूं, वो कहेगा मैं आता हूं, उस लड़ाई में 10 प्रकार के खेमे बनते। हम कांग्रेस में देखते ही तो हैं कितने खेमे बने हुए हैं,
हरियाणा में तो बने ही बने हुए, देश में भी बने हुए हैं। वो नेता को ढूंढने लगते हैं तो उनको लगता है मेरे परिवार का जो सदस्य है वही जाकर के सबसे बड़ा बढ़िया नेता है, क्योंकि परिवार का सदस्य है। और खाली सदस्य तक नहीं, उससे भी पहले पुत्र मोह में फंस करके कि मेरा बेटा है, यही सबसे बड़ा, यही उसकी विशेषता है। यहां चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनोहर लाल हो, और चाहे हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हो मुख्यमंत्री, एक सामान्य परिवार से निकल करके इतिहास उठा करके देख लो। मुझे मौका मिला है हमारे नायब सिंह जी सैनी, उनके घर जाने का, इनके माता पिताजी से मिलने का, इनके भाइयों से मिलने का, और मैं तो वहां देखता हूं खेत के अंदर, जैसे गांव के अंदर सुबह सुबह लोटा लेकर के बाहर घूमने जाते हैं, वो छोटा गांव मिर्जापुर का एक ढाणी, नारायणगढ़ अम्बाला जिले की खेतों में ढाणी है। पिताजी सेना में थे, खेती का काम परिवार के बाकी लोग करते थे, सामान्य पढ़ाई करके पार्टी की सेवा में 1995 में आ गए थे, और पार्टी की सेवा करते करते लगातार विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो मैं आज आप सबकी ओर से मैं अभिनंदन करता हूं अपने मुख्यमंत्री का, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और एक आशा भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि जनता की 9.5 साल तक मैंने सेवा की है, बहुत नए नए काम किए हैं जो हमारे विपक्षी लोगों को तो समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं, हर बात की आलोचना उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका तो अनुभव ही नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे, 3 महीने बाद ही सरकार गिराने की मंसूबे पाल करके रोज एक एक दिन गिनते थे। हमने कहा हमारा अनुभव वो तो नहीं है जो उनका था, ये लूट खसोट का, सत्ता को भोगने का अनुभव जो उनका था वो हमारा नहीं है, लेकिन जनता की सेवा करने का अनुभव